हेलो गाइस, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ जावा प्रोजेक्ट सीरीज। इस जावा प्रोजेक्ट सीरीज में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन है। पिछली तीन वीडियोस में हम इतना कुछ कर चुके हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे फ्रंट पेज हमने बनाया था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पेज, एक सेकेंड इसको रन करके दिखाता हूँ। ये हमारा यहाँ पर फ्रंट पेज था, ठीक है। फ्रंट पेज में ये यहाँ पर डिपर मारता हुआ होटल मैनेजमेंट सिस्टम था। ये हमने पार्ट टू में बनाया था, जो हमारी सेकेंड वीडियो थी। फिर हमने नेक्स्ट पे जब यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर ये लॉगिन फ्रेम खुल रहा था, ठीक है। ये हमारा पार्ट थ्री था, ठीक है। पार्ट थ्री ऑफ द वीडियो, उसमें हमने यहाँ पे लॉगिन फ्रेम बनाया था। अभी पार्ट फोर है, इसमें हम क्या करेंगे कि सपोज मैं यहाँ पर कोई यूजर नेम डालता हूँ, ठीक है। यूजर नेम मैंने डाला और मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में जाके मैच होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैच होते हैं तो वो मेरे को नेक्स्ट फ्रेम पर थ्रो करे, ठीक है, वरना वो यहीं पे बोल दे इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये करना है, ठीक है। अब ये कैसे करना है तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक। तो जो हम इसमें डेटाबेस यूज करेंगे वो होगा MySQL, ठीक है। MySQL आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर MySQL सर्च किया तो ये मेरे पास यहाँ पर MySQL आ चुका है, MySQL 5.5। मेरे पास MySQL 2 है, ठीक है। वर्क बेंच भी है और मेरे पास सिंपल उसकी कमांड लाइन भी है, ठीक है। जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो भी है, ठीक है। तो मैं उसको खोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने खोला और वो पीछे खुल चुका है, ठीक है। ये पूछ रहा है एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई पासवर्ड MySQL में कोई ऐसा सर्च पासवर्ड नहीं रखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर सीधा एंटर मारा, ठीक है। एंटर मारा तो मेरे यहाँ पर MySQL खुल चुका है, ठीक है। अब सीधा अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं, ठीक है। MySQL डाउनलोड आपको पहले कर लेना है, ठीक है। MySQL डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक काम और करना है, आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाना है, ठीक है। लाइब्रेरीज में अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ JDK है, ठीक है। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एड लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे MySQL की एक लाइब्रेरी एड करानी है, जो कि होगी MySQL JDBC ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको सीधा एम पर आना है, ठीक है। एम पर आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगी MySQL JDBC ड्राइवर, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको ऐड करा देना है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे MySQL JDBC ड्राइवर नहीं मिल रहा, ठीक है, आपके यहाँ पे लाइब्रेरी में ऑप्शन ही नहीं है MySQL JDBC ड्राइवर, तो आपको MySQL डाउनलोड करने की जरूरत है, ठीक है। आप MySQL डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो अपने आप वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कनेक्टर जार फाइल है मेरी MySQL की, वो आ चुकी है, ठीक है। ये वाली फाइल पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना नहीं चलेगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आपको एक क्लास बनानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए हमारी जो क्लास होगी उसको अलग रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बंदे क्या करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स में मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि वो हर हर क्लास में वो डेटाबेस कनेक्शन जो है उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम यहाँ पर ड्राई प्रिंसिपल का यूज करेंगे, जो कि होगा डू नॉट रिपीट, ठीक है। आपने जो कोड लिखा आप उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हर क्लास में हम अपने डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक क्लास में क्रिएट करेंगे और फिर एक क्लास को उसको हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ पे आपको एक जावा क्लास बनानी है कोन के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक जावा क्लास बनाई कोन के नाम से। तो हम जो जिस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा जावा का JDBC कॉन्सेप्ट। JDBC स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक API है, ठीक है। ये एक API है जिससे हम अपनी जावा की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा कोड। मेरा इससे क्या मतलब है कि अगर आपने देखा हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर आता है हमारा टेबल नेम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज कॉलम आता है हमारा, ठीक है, कॉलम आता है और फिर हमारा आता है डेटा टाइप। ये हमारी एक टिपिकल MySQL की वो होती है, एक क्वेरी होती है, ठीक है। आप इस क्वेरी को जावा कोड की हेल्प से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो वो काम होता है JDBC के थ्रू। तो हम यहाँ पे JDBC का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है वो हमारी पांच स्टेप्स में होती है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना, ठीक है। हमारे पास हमें अपने जावा प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार, ठीक है, प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार अपने MySQL के ड्राइवर से उनको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। हमारे पास काफी मेथड्स हैं ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे फोन नेम मेथड का, ठीक है। हमारे हमारे पास एक जावा क्लास होती है क्लास के नाम से, या आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। हमारे पास जावा क्लास होती है क्लास के नाम से, ठीक है। इस क्लास में हमारे पास एक स्टैटिक मेथड होता है फोन नेम, हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकेंड स्टेप होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, वो होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे यूज
करेंगे ड्राइवर मैनेजर क्लास का, जिसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है गेट कनेक्शन, और उसके अंदर हम पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ये सब मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, हम यहाँ पर इसके एक स्टेटमेंट बनाएंगे कनेक्शन की हेल्प से, और फिर जो अपनी क्वेरीज हैं हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये तो ये हमारा था JDBC कनेक्टिविटी का थर्ड स्टेप। फिर हमारे पास एक फोर्थ स्टेप भी होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे हम सिंपल अपनी जो क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास फंक्शंस होते हैं, बेसिकली हम दो फंक्शंस का यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि पहला फंक्शन होगा वो होगा एग्जीक्यूट क्वेरी, एंड सेकंड फंक्शन होगा वो होगा एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, एंड फिर फिफ्थ स्टेप होता है जहां पर हम अपने कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, कंपलसरी नहीं होता ये स्टेप, ठीक है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस होती है कि जो आपने कनेक्शन क्रिएट करा है यूज करने के बाद उसको क्लोज भी करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लोज मारते हैं। ठीक है, जो फालतू चीजें खुली हुई हैं, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कनेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे दो इंटरफेसेस होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास कनेक्शन इंटरफेस होता है, मेरे को उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। ठीक है, सिंपल इसकी डिक्लेरेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट इंटरफेस होता है, मैं यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसको डिक्लेयर किया। अब ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पर इंटरफेसेज हैं ये होते हैं हमारे SQL पैकेज के अंदर। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे उस SQL पैकेज को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस SQL पैकेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी क्लासेज होती हैं, बहुत सारे हमारे पास इंटरफेसेज होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेसेस के अंदर होता है, स्टेटमेंट इंटरफेस इसके अंदर होता है, आप देख चुके हैं दोनों। ठीक है, अब एक चीज और होती है हमारे पास जो कि होती है प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस। ठीक है, हम यहाँ पे या तो स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को यूज करने के तरीकों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर एक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस होता है जो कि होता है रिजल्ट सेट इंटरफेस, वो भी SQL पैकेज के अंदर होता है जिसको हम आगे जाकर यूज भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें काफी सारे इंटरफेसेस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ तीन या चार मेनली इंटरफेसेस का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी क्लासेस भी होती हैं, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है ड्राइवर मैनेजर क्लास। ठीक है, हम यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर क्लास का आगे जाके बहुत यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर होगा सेम नेम एज द क्लास नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी एक्सटर्नल फाइल के साथ हम कोई काम करते हैं तो हमेशा गुड प्रैक्टिस होती है कि हम ट्राई कैच का यहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, कि जो मेरा स्टैक है उसको मैं प्रिंट भी करा रहा हूँ। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हमें यहाँ पे अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको रजिस्टर भी करना है, तो रजिस्टर करने के लिए मैंने आपको बोला था कि हम एक जावा क्लास का यूज करेंगे जो कि होगी क्लास। ठीक है, इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि होता है फोर नेम, बिल्कुल परफेक्ट यही वाला। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, स्ट्रिंग में हम पास करेंगे अपना MySQL का ड्राइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लाइन पे आपके पास ये वाली जो लाइब्रेरी है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास ये वाली लाइब्रेरी नहीं होगी तो वो यहाँ पे MySQL का जो ड्राइवर है वो उठा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो MySQL का ड्राइवर है वो होता है com.mysql.jdbc.driver D कैपिटल और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर ड्राइवर दिया है, ये ड्राइवर वो तभी उठाएगा जब आपकी लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। ठीक है, वरना वो ये वाला ड्राइवर उठा ही नहीं पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये वाला जो ड्राइवर है उसको इंक्लूड करो, एंड उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ कनेक्शन इंटरफेस है इसका जो वेरिएबल है हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम स्टोर कराएंगे कि तो हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर, हमारे पास यहाँ पर क्लास होती है, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है गेट कनेक्शन। ठीक है, गेट कनेक्शन इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है, यहाँ से हम अपना कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग जाती है। ठीक है, जो हम इसके अंदर लिखेंगे उसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा JDBC:। ठीक है, ये मेरी इंटरफेस का नाम है। ठीक है, जो मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास वो होते हैं JDBC, अगर आप कनेक्शन स्ट्रिंग को अगर आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसमें काफी चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है इंटरफेस का नाम। ठीक है, तो जो इंटरफेस है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे JDBC कॉलन के बाद। यहाँ पे सेकंड जो होता है वो होता है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस कौन सा है? MySQL है। ठीक है, फिर कॉलन डबल स्लैश। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे URL देना है। ठीक है, URL होता है लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन, अब मेरे को यहाँ पे पोर्ट भी देना है, तो वो होता है 3306।
है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो जो पोर्ट होता है MySQL का वो 3306 ही होता है, ठीक है। तो अगर आप इसी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3306 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस लाइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं MySQL, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको उस डेटाबेस का नाम लिखना है जो आपके MySQL में आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस ही क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने की जो कमांड है वो है हमारे पास क्रिएट डेटाबेस, और फिर आपको लिखना है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम लिखते हैं सपोज प्रोजेक्ट होटल मैनेजमेंट सिस्टम इन शॉर्ट HMS, ठीक है। मैंने सेमी कॉलन लगाया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया इसको, तो यहाँ पे मेरे पास आया क्वेरी एग्जीक्यूटेड वन रो इफेक्टेड, ठीक है। तो जो मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, हम उसको देख भी सकते हैं। हमारे पास एक कमांड होती है शो डेटाबेसेस, तो जितने भी डेटाबेसेस हैं हम उन सबको देख भी सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट HMS, मेरे पास यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ये डेटाबेस आ चुका है, ठीक है। अब इस डेटाबेस को हमें यूज भी करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपको उसको यूज भी करना होता है। यूज करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज प्रोजेक्ट HMS, ठीक है। परफेक्ट, डेटाबेस चेंज, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है प्रोजेक्ट HMS, मैंने यहाँ पर लिखा प्रोजेक्ट HMS, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलर कॉमा लगाना है, और अब आपको यहाँ पे देना है यूजर नेम, ठीक है। जो नेक्स्ट जिसमें चीज होती है वो होती है यूजर नेम। यूजर नेम होता है हमारा MySQL का जो यूजर नेम होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रूट होता है, आई होप आपका भी रूट ही होगा अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो, ठीक है। यूजर नेम होता है, फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड होता है, अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ था। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो तो उसने मेरे से पूछा था एंटर पासवर्ड, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बिना कुछ लिखे उसको एंटर मार दिया था, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मेरा MySQL का कोई पासवर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपने MySQL का कोई पासवर्ड रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे वो टाइप करना है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको यहाँ पे वो टाइप करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका MySQL का कोई पासवर्ड नहीं है तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। लास्ट में लगाएंगे सेमी कॉलन। परफेक्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेटमेंट इंटरफेस का, और यहाँ से और एस इज इक्वल्स टू, और अब हम एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। वो मेथड होता है कनेक्शन इंटरफेस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सी डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये जो पहला ही आ रहा है, ठीक है, इसको कॉल किया और लास्ट में लगाया सेमी कॉलन। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। बस आपको इतना लिखना है और आपकी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो इस क्लास के साथ हो जाएगी तैयार, बिल्कुल ठीक है। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है हम हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे MySQL का ड्राइवर भी है, ठीक है, डेटाबेस का नाम भी है, और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हमारे पास इस क्लास में सब है, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही, आप इतना करेंगे इसमें तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस क्लास को हमें यूज भी करना है, तो यूज करेंगे इसको वहां पे जहाँ पे हमें डेटाबेस के साथ काम करना है, और वो हमें करना है लॉगिन क्लास के अंदर, ठीक है। तो लॉगिन क्लास के अंदर, तो लॉगिन क्लास को अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो हमें यहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, एंड यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरा डेटाबेस में जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक एक्शन चाहिए, ठीक है। एक्शन होगा मेरा लॉगिन बटन पे और कैंसिल बटन पे, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे किया था हमें वही करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक हमें इंटरफेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा जो कि होता है एक्शन लिसनर, ठीक है। एक्शन लिसनर जो होता है वो इवेंट पैकेज के अंदर होता है, तो मेरे को उसको यहाँ पे इम्पोर्ट भी कराना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार, ठीक है। परफेक्ट, बिल्कुल। अब ये यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि एक्शन लिसनर के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है, तो हमें उसको ओवरराइड भी कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें किस किस बटन पर एक्शन चाहिए वो लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर इस बटन पर एक्शन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा b1 डॉट एड एक्शन लिसनर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास किया दिस, ठीक है। परफेक्ट, बिल्कुल। और मेरे को इस भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा b2 डॉट एड एक्शन लिसनर, ठीक है। जिस भी बटन पर या लेबल पर आपको एक्शन चाहिए आपको उस पर ये कमांड लिखनी पड़ेगी जो कि होता है एक्शन लिसनर, ठीक है। अभी आगे जाकर इसका बहुत यूज होगा, तो आगे जाकर ये और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड कराना पड़ेगा जो कि होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। मेक श्योर एक्शन नाम यही होना चाहिए क्योंकि ये वाला मेथड है वो हमारा यहाँ पर डिफाइंड है इस इंटरफेस के अंदर। अगर मैं आपको इसे ये वाला इंटरफेस खोल के दिखाऊं तो आपको ये वाला मेथड यहाँ पर मिल भी जाएगा, पब्लिक वॉइड एक्शन
परफॉर्म्ड, ठीक है, जो जिसके अंदर है हमारे पास एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी हम एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो अगर आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी हम एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो उस इंटरफेस के अंदर हमारे पास जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं, उन सभी मेथड्स को हमें ओवरराइड कराना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही किया, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, तो मेरे को यहाँ पर उसको ओवरराइड कराया है मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक वर्ड एक्शन परफॉर्म्ड, और उसके अंदर आपने देखा था मेरे पास था एक्शन इवेंट एई, ठीक है, ठीक है। तो परफेक्ट है बिल्कुल, जो एरर थी वो सब जा चुकी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहाँ पे दो बटन हैं, ठीक है, दो बटन हैं। अब मेरे को इनमें डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा कि कौन सा बटन कॉल हुआ है। अब अगर आप पीछे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक बटन था, जो हमारी थी मेन क्लास, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लास की फर्स्ट फ्रेम, उसमें से मेरे पास एक बटन था। तो मैंने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पर सीधा उसके उसके फंक्शनैलिटी डाल दी थी, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉगिन क्लास में देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे दो बटन हैं, एक मेरे पास यहाँ पे B1 बटन है, एक मेरे पास यहाँ पे B2 बटन है। तो मेरे को यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि यूजर ने कौन सा बटन को क्लिक किया है, ठीक है, उसने B1 बटन को क्लिक किया या फिर उसने B2 बटन को क्लिक किया, क्योंकि B1 की फंक्शनैलिटी कुछ और होगी एंड B2 की फंक्शनैलिटी कुछ और होगी। तो ये इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन इवेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है AE डॉट गेट सोर्स, ठीक है, गेट सोर्स हमारे पास ये वाला मेथड होता है। इसको अगर हम इक्वल करते हैं B1 के अंदर, तो हम यहाँ पे B1 की फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। एल्स इफ अगर AE जो है वो, अगर हमारा B2 फंक्शन, अगर हमारा B2 बटन कॉल हुआ है, तो हम यहाँ पे B2 की भी फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। परफेक्ट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा जो, अगर मैं आपको B2 बटन दिखाऊं, तो B2 बटन हमारा कैंसिल बटन है, ठीक है। अगर हम कैंसिल करते हैं इसको, अगर मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ, तो अभी इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं, कैंसिल बटन मतलब कि कैंसिल बटन की फंक्शनैलिटी में हम ये डाल सकते हैं कि अगर सपोज कोई बंदा लॉग इन नहीं करना चाहता, वो अगर वो लॉग इन नहीं कर रहा, तो मतलब वो प्रोजेक्ट से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट एंड जीरो, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो लिखा। अब जो मेरा प्रोजेक्ट है वो टर्मिनेट होना चाहिए B2 बटन के क्लिक करने पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको चला के देखा, चलाया मैं इसको, और यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल किया एंड यस वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। फिर अब आते हैं अपने B1 बटन पर। B1 बटन में क्या होगा कि जो भी हम यूजर नेम डालेंगे, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो भी हमने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाला है उसको गेट कराना है, ठीक है। ये हमारी T1 टेक्स्ट फील्ड है, ये हमारी T2 टेक्स्ट फील्ड है। तो हमें जो बंदा यहाँ पे डालेगा, सपोज मैंने यहाँ पे एडमिन डाला और यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इस यूजर नेम और पासवर्ड को इस टेक्स्ट फील्ड में से निकालना है, ठीक है। तो उस निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट, हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन होता है T1 डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। मैंने इसका यहाँ पे यूज किया T1 डॉट गेट टेक्स्ट का, ठीक है, कॉमा क्यों लग गया, परफेक्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है कि जो T1 डॉट गेट टेक्स्ट जो वैल्यू आएगी, ठीक है, T1 जो मेरा यहाँ पे यूजर नेम फील्ड है, उससे जो वैल्यू आएगी, जो यूजर नेम आएगा मेरे पास, उसको मेरे पास यहाँ पे किसी वेरिएबल में, को यहाँ पे उसको स्टोर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गेट टेक्स्ट फंक्शन जो है वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसलिए मैं इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग यूजर नेम सपोज, ठीक है, इज इक्वल्स टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट, और ऐसे ही पासवर्ड निकालेंगे, पासवर्ड इज इक्वल्स टू T2 डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे डेटाबेस के साथ खेलना है। जो हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी की क्लास है वो यहाँ पे कौन क्लास है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे इस एस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी जो क्वेरीज है उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे पास टेबल्स भी होने चाहिए, तो पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल जो बनाया बनाएंगे वो लॉगिन के नाम से बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल लॉगिन, ठीक है, और जो मेरे पास पहला कॉलम है यूजर नेम है, इसको वैर कर दिया मैंने यहाँ पे, वैर कर मैंने यहाँ पर डाला 30 कॉलम्स तक, ठीक है। और फिर मैंने पासवर्ड दिया यहाँ पे, पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाला 30 कॉलम्स, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। एक सिंपल सी MySQL क्वेरी है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको अभी चला के दिखाऊँ तो ये अभी बिल्कुल एम्प्टी होगा, ठीक है। लॉगिन में मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है, एम्प्टी सेट है। अब इसके अंदर एक मैनुअली एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो इनिशियली मैंने यहाँ पर मैनुअली एक वैल्यू डाली, इंसर्ट इनटू लॉग इन,
ठीक है, वैल्यूज, और जो पहली वैल्यू मैंने डाली है वो एडमिन डाली है, और जो पासवर्ड मैंने डाला है वो डाला है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो परफेक्ट है बिल्कुल, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। ठीक है, अगर मैं आपको अभी यहाँ के यहाँ पे करके दिखाऊँ सेलेक्ट स्टार फॉर्म लॉग इन, तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है जो कि है एडमिन और 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को इसी में वैल्यू डलवानी है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग के अंदर मेरे को यहाँ पे एक MySQL की क्वेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो MySQL की क्वेरी बनाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, कि अगर मेरे को मैच कराना है कि ये जो वैल्यूज हैं वो मैच हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी एक क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, की लॉगिन टेबल से वो सभी वैल्यूज मैं उठाना चाहता हूँ जहाँ पे वेयर यूजर नेम। अब ध्यान रखना है कि ये जो यूजर नेम है वो वही यूजर नेम होगा जो आप यहाँ आपके यहाँ पे कॉलम का यूजर नेम होगा। ठीक है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, जो यहाँ से मैच होके आएगा यूजर नेम से, t1 डॉट गेट टेक्स से जो यहाँ पे यूजर नेम आया है, अगर वो उससे मैच होता है वो तब उसको खोलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते प्लस यूजर नेम। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखाऊँ तो एक स्ट्रिंग के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक MySQL की क्वेरी के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप MySQL की क्वेरी देखोगे तो जो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं एक अपनी क्वेरी लिखते हुए, तो जो स्ट्रिंग्स आती हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आती हैं। आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो वैल्यूज आएंगी वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ही नहीं। अभी सपोज यूजर नेम में मेरा एडमिन पड़ा है, तो वो एडमिन मेरा ऐसे है, ठीक है, लेकिन वो एडमिन मेरे को ऐसे चाहिए, ठीक है, जो कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे काम करना है कि यहाँ पे डबल इनवर्टेड कोमा से पहले मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोट लगाया। ठीक है, स्टार्टिंग में अब सिंगल कोट आ चुका है, अब एंडिंग में मेरे को सिंगल कोट लगाना है, तो उसको मैंने यहाँ पे कंकेटनेट किया, ये लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे इसको ये लगाया, परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि डबल कोट जो है वो तो स्ट्रिंग का पार्ट है, ये डबल कोट स्ट्रिंग का पार्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग जहाँ पे एंड हो रही है और स्टार्ट हो रही है, डबल कोट उसको डिपिक्ट करता है। ठीक है, लेकिन इसी स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट भी डाला है, तो सिंगल कोट जो जो जाएगा वो अब इसके साथ जाएगा जो यूजर नेम होगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यहीं पे लिखते हैं एंड पासवर्ड, यहाँ पे ये वही है, ये मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है मेरे क्वेरी में कॉलम्स के नेम है। ठीक है, जैसे आप MySQL में क्वेरी लिखते हैं बिल्कुल वही क्वेरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो पासवर्ड कहाँ गया। ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। तो जो पासवर्ड है वो है मेरा, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है, ये बंद हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड, ठीक है, एक डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैंने डाला यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, परफेक्ट भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी कराना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए मेरे को यहाँ पे इस कनेक्शन क्लास का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कनेक्शन क्लास का यूज करते हुए सी डॉट एस डॉट, ठीक है, अब यहाँ पे एस क्या चीज है, मैंने आपको बोला था कि जितनी हमारी क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी वो होंगी हमारी स्टेटमेंट की हेल्प से, तो यहाँ पे एस जो है वो एक स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एस जो है मेरा वो स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसी इंटरफेस का मैंने यहाँ पे यूज किया। अगर मैं आपको यहाँ पे डॉट लगा के देखो तो मेरे पास यहाँ पे सभी मेथड्स हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज किया एंड मैंने इसके अंदर पास की अपनी जो मेरी MySQL की क्वेरी है। ठीक है, ये अब यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो चीज है ये ट्राई और कैच के अंदर आती है। ट्राई और कैच के अंदर इसलिए आती है क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो ये जो चीज है ट्राई और कैच के अंदर आती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी एक MySQL क्वेरी में बनाई। ठीक है, यहाँ पे उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, अब इस क्वेरी का कुछ रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, रिजल्ट स्टोर होता है हमारा रिजल्ट सेट क्लास के अंदर। ठीक है, रिजल्ट सेट क्लास के अंदर रिजल्ट स्टोर करा जाते हैं हम इसमें। ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखा, ये अब भी एरर दे रहा है क्योंकि रिजल्ट सेट जो हमारी क्लास होती है वो एक SQL पैकेज के अंदर होती है, तो हमें यहाँ पे SQL पैकेज को मेरे को यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, स्टोर SQL डॉट स्टार, परफेक्ट बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल गया। ठीक है, अब इस SQL पैकेज का यूज करेंगे कि इफ rs.next, ठीक है, अगर उसमें कोई वैल्यू आई है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो कॉलम टू कॉलम जंप करता है। ठीक है, तो इफ rs.next मतलब अगर जो हमारी वैल्यूज हैं वो मैच हुई हैं तो हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर एक जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम है उसका मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है जहाँ पर इसको थ्रो करना है वो डैशबोर्ड क्लास है, ठीक है, वो अब तक हमने बनाई नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको जो हमने अब तक क्लास बनाई है हम उस पर थ्रो करते हैं, ठीक है, जो कि है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको डैशबोर्ड पे थ्रो कर देंगे जब वो क्लास बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट सेट विजिबल और ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे दिस डॉट सेट विजिबल इसको क्या कर देंगे फॉल्स, जो हमारी करंट फ्रेम है उसको मैं फ्लो फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगर एल्स अगर सपोज मैच नहीं होता, ठीक है, सपोज यूजर नेम और पासवर्ड जो है मेरे वो मैच नहीं हुए, तो मेरे को यहाँ पे एक पॉपअप थ्रो करना है जिस पर लिखा आएगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो उसके उसके लिए हम यूज करते हैं जे ऑप्शन पेन का, ठीक है। जे ऑप्शन पेन हमारे पास जावा में एक क्लास होती है स्विंग के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड होता है शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शो मैसेज डायलॉग का यूज किया, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल। अब यहाँ पे ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो फॉर्मेटिंग होती है कि आपको एरर देना है, वार्निंग देनी है, क्या देना है, ठीक है, हम सिंपल रखते हैं, नल करते हैं इसको। दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हम लिखते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इनकरेक्ट इनवैलिड लिखते हैं, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, परफेक्ट बिल्कुल, लास्ट में लगा है सेमीकोलन, ठीक है, तो यह कोई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, दिस डॉट सेट विजिबल और ट्रू फॉल्स, सॉरी, ठीक है, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, क्योंकि हम इसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यह लॉग इन क्लास हमारी बन के तैयार है, चला के देखते हैं अब, ठीक है। यूजर नेम जो है वो मेरा एडमिन है, पासवर्ड जो है वो भी वो है मेरा 12345 जो हमने यहाँ पर MySQL में डाला था, ठीक है, एडमिन 12345। अब ये MySQL में जाके मैच होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस बटन क्लिक करेंगे तो यह जो इमेज है वो खुल रही है, परफेक्ट बिल्कुल। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है, फिर हमारे लॉगिन फ्रेम खुल गया, ठीक है, वापस जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डाले मैंने, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया तो वापस ये इमेज खुल गई। नेक्स्ट पर आते हैं, बहुत बढ़िया लूप बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको गलत भरते हैं, ठीक है, लॉग इन में मैं यूजर नेम में डालता हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, पासवर्ड में सपोज कुछ भी भर देते हैं, एडमिन डाल देते हैं, ठीक है, लॉग इन किया तो अब एक पॉपअप आएगा, या पॉपअप आया है इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो जो मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो वहां पे जाके मैच हुआ डेटाबेस में एंड उसने बोला इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड ओके करते ही पूरा प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स। तो अगर आपको फिर से चेक करना है तो आपको यहाँ पे फिर से इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है, एडमिन मैंने यहाँ पे डाला 12345 डाला, ठीक है, लॉग इन किया तो ये नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा, ठीक है, अभी मैंने जो प्रीवियस फ्रेम था उसको उसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया वापस तो ये वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्लास बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस क्लास को उस क्लास से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत गलत भी डालते हैं, सपोज कोड डाला इन 12345 तो या इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, तो ये थी हमारी सेकेंड क्लास, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास थी हमारी वो थी होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो प्रीवियस फ्रेम था हमारा। अब जो नेक्स्ट फ्रेम है वो है हमारा ये लॉगिन फ्रेम, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम होगा वो होगा हमारा डैशबोर्ड, जो कि हमारे प्रोजेक्ट की मेन क्लास भी होगी, ठीक है, सबसे मेन फ्रेम होगा वो वाले हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में वो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।